पुरानी वाली जो हमारी बाइक है ये हमारी महरूम में लगी हुई है पुरानी वाली, तो साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी अपडेटेड बाइक है। आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका जो है नॉर्मली आपको नज़र आता है, और इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये चीज़ जो है चेंज आपको देखने को मिलेगी। इसमें पूरा का पूरा आपको फुल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रो बाइकर 150 चैनल। तो दोस्तों हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज आया हूँ मैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम। तो आज जो कंप्लीट जो ब्लॉग शूट होने वाला है, हमारी जो बुलेट आती है ना रॉयल इनफील्ड की स्टैंडर्ड बाइक 350, तो इसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले। जो हमारा स्टैंडर्ड वाला मॉडल आता है वो जो है पूरा का पूरा अपडेट वर्जन मेरे सामने है। दोनों ही हालांकि मैंने यहाँ पर मॉडल रखे हुए हैं, तो इन दोनों में जो है मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इन दोनों बाइकों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कंपनी ने क्या इसके अंदर नया अपडेट दिया है, क्या नया है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करके दिखाता चला जाऊँगा साथ साथ, और आपको गिनाता भी चला जाऊँगा देखो आपको कहाँ पर जो है क्या चीज़ चेंज देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपनी पुरानी वाली बाइक से। तो पुरानी वाली बाइक जो हमारी आती थी वो कुछ इस तरह से आती थी, लुक आप देखेंगे तो वैसी की आपको सेम मिलेगी जैसे पहले आती थी। तो पुरानी वाली में हालांकि कुछ चेंज नहीं है, तो पुरानी वाली मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ। तो पुरानी वाली जो हमारी बाइक है ये हमारी महरूम में लगी हुई है पुरानी वाली, तो साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी अपडेटेड बाइक है। यहाँ आप देखेंगे तो ब्लैक जो इसका कलर आया है वो बहुत ही यूनिक कलर आया है इसका ब्लैक। इसका जो कॉम्पिटिटर है देखेंगे आप तो इसमें जो है पूरा का पूरा आपको फुल्ली ब्लैक देखने को मिलेगा। ये हमारी नई वाली है जो 2024 में अभी जो है अपडेटेड वर्जन है, और ये जो है दिखाया मैंने आपको ये पुराना वाला दिखाया है। अगर हेडलाइट की हम बात करते हैं तो हेडलाइट दोनों की आपको सेम देखने को मिलेगी, हाइलोजन में गोल्ड में इसमें भी है और हाइलोजन में गोल्ड में भी गोल्ड में इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला जो अपडेट इसके अंदर आया है वो दिखाता हूँ, सीट का। हम सीट पे बात करते हैं तो दोस्तों सीट आप देखेंगे जो पहले वाली हमारी जो बाइक आती थी इसमें आपको कुछ इस तरह की सीट देखने को मिलेगी। ये जो है बीच में चेंज हो गई थी तो उस तरह से इसमें जो है सीट देखने को मिलती है। आइए आपको नई वाली की दिखाता हूँ एक बार। तो नई वाली की जो सीट है वो आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। देखेंगे तो दोनों में देखो कितना ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है इसमें और इसमें। इसमें जो है थोड़ा सा साइज जो है अलग है और इसमें जो है थोड़ा सा अलग साइज है। तो ये जो सीट है ना हमारी जो पहले जो बुलेट आती थी स्टार्टिंग की, तो इस हिसाब से इस सीट को जो है सेट करा गया है। जो यार लोगों की मतलब बुलेट एक नाम था जहाँ लोगों की दिल की धड़कन स्टार्टिंग वाला जो लोग याद करते हैं ना बुलेट को, तो इस बाइक को वही वाला लुक देने की कोशिश करी गई है जो दोबारा मार्केट के अंदर इसको अपडेट करके उतारा गया है। सबसे पहला जो आपको डिफरेंस के अंदर देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है सीट का। सीट आप देखेंगे दोनों की आपको अलग नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे तो इस बाइक के अंदर जो है पीछे आपको बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है जो बैक को पूरा सपोर्ट करता है। ये हमारी जो है नई वाली बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये फुल्ली सपोर्ट करता है आपको। लोअर बैक वगैरह में जो पेन वगैरह की जो शिकायत होती है ना वो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे तो आपको जो है इसमें नॉर्मली जो है बैक प्रेस नॉर्मल मिलता है। इसमें जो है पीछे बैक सपोर्ट वगैरह वैसा नहीं है इसमें, जैसे कि हम बैक टिका के बैठते हैं तो यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल जाता है बाइक के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा बैक रेस्ट का। और एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप मिरर की बात करते हैं, मिरर आप देखेंगे तो पुरानी वाली बाइक में जो है हमारे जो मिरर है वो आपको जो है क्रोम में देखने को मिलेंगे। दोनों मिरर जो है आपके क्रोम में नज़र आएंगे, ये मिरर आपके क्रोम में नज़र आते हैं। लुक वैसी है थोड़ा सा, बस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको ये जो चीज़ है ना ये इसकी मिरर की चेंज है यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे ब्लैक वाली की मैं अगर बात करता हूँ नई वाली बाइक की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका जो है नॉर्मली आपको नज़र आता है, और इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये चीज़ जो है चेंज आपको देखने को मिलेगी। इसमें पूरा का पूरा आपको फुल्ली ब्लैक जो है मिरर देखने को मिलेंगे। इसमें कहीं पर बीच में कोई कलर मिरर में ऐड नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ये हमारा तीसरा अपडेट हो गया।
चलिए चौथे अपडेट की हम बात कर लेते हैं। तो चौथा जो अपडेट है दोस्तों हमारा आ जाता है डिस्क ऑप्शन का। तो ये वाली जो हमारा जो ओल्ड वाला जो वर्जन है और अपडेटेड वर्जन की मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है आपको डुअल डिस्क और डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है डुअल आपको डिस्क मिल जाएगा ऑप्शन और डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आइए जो हमारा जो पुराने वाले को नए अंदाज में पेश करा गया है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं ब्लैक वाले के, तो इसमें जो है आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा और सिंगल डिस्क मिलेगा। पीछे की अगर मैं बात करता हूँ तो पीछे जो है इसकी मैं ड्रम के साथ में आपको एबीएस देखने को मिल जाता है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर ड्रम ब्रेक दे रखा है, ड्रम के साथ में जो है एबीएस आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि ये सिंगल चैनल आपको एबीएस इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये तो हो गया इसके बड़े बड़े डिफरेंस। आइए जो सबसे मेन जो बड़ा डिफरेंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों जो इससे बड़ा वाला अपडेट है वो है हमारा पीछे की टैल का, मड गार्ड का, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो हमारी पुरानी वाली है इसमें आप टेल लाइट देखेंगे तो इसमें जो है हमारी पूरी की पूरी राउंड में है, और यहाँ की आप लुक देखेंगे तो ये पूरी अलग है। और अभी जो नई वाली मैं आपको दिखा दूँ जो अपडेटेड है हमारी, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी शेप बिल्कुल अलग है और इसकी पूरी डिजाइन अलग है। और टेल लाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो टेल लाइट जो है हमारी चकोर में आ जाती है यहाँ पर, और चकोर के साथ में यहाँ पर जो है इसको गोल कर दिया गया है। मडगार्ड आप देखेंगे तो मडगार्ड जो है आपको सेम ही देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ये लाइट का सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है इसमें। दोनों बाइक आप देखेंगे तो इसमें और इसमें जो है मेन जो है ये चेंज कर दी गई है। तो दोस्तों ये जो बाइक है हमारी ब्लैक वाली, इसके अंदर जो है कलर अगर मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो इसमें जो है आपको सिंगल कलर ही देखने को मिल जाता है। इसमें एक ही कलर आता है, वो आता है आपका पूरा ब्लैक। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको जो है डुअल कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपका एक हो गया मैरून और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर। इसका जो ब्लैक कलर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको क्रोम में जो है मिरर आपको देखने को मिलेंगे। ये इसका ब्लैक लगा हुआ है इस वाली बाइक का, और इसका जो है इसमें एक ही कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों की प्राइसिंग की। तो प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है तो बात कर लेते हैं प्राइस की। तो दोस्तों जो हमारा जो अपडेटेड वर्जन है यार इसका और इसमें प्राइस में जो है आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इस वाली बाइक के प्राइस की, मैरून वाला जो हमारा है 2,29,400 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। और अगर अब बात करता हूँ मैं ब्लैक वाले के प्राइस की अपडेटेड वर्जन की जो हमारे है तो इसका 2,04,000 का ऑन रोड प्राइस है। 2,04,000 में ये वाली आती है आपकी और 2,29,500 में ये वाली आती है। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है 20-25,000 का जो भी है। बाकी जो है आपको नए अंदाज में जो है बाइक देखने को मिलेगी।